नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर सूरजपुरिया। और भाई आज हम आए अपने NIT कॉलेज जिसमें हम पढ़े हैं। हमने 4 साल BTech करी है, हमारी डिग्री वगैरह आ गई थी। मैंने आपको सब चीज़ का ब्लॉग दिखा दिया, प्रॉपर डिग्री का दिखाया था। आज हम किसी काम से आए थे, मैं और मृत्युंजय हैं, हमारे टीम ब्लॉग रजिस्ट में से ही उसका हिस्सा है, ब्लॉग रजिस्ट टीम का हिस्सा है। ठीक है, तो आज हम आए थे कॉलेज में मार्कशीट पर साइन करवाने और डिग्री पर मार्कशीट लेने और डिग्री पर साइन करवाने। तो मैंने सोचा भाई, कुछ बंदों के कमेंट्स, भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपने बाहर बाहर से तो कॉलेज दिखा दिया, पर अंदर से आपने क्लास कैसी होती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सफाई है नहीं है कॉलेज में, ये नहीं दिखाया आपने। तो मेरे दिमाग में अभी तुरंत आइडिया आया, तो मैं क्यों ना भाइयों को अपने अंदर से भी दिखा दूँ कॉलेज कैसा है। भाई बहुत अच्छी सुविधा है, सब चीज़, खिड़की वगैरह अभी आपको मैं दिखाता हूँ। पूरा प्रॉपर क्लास है, काफ़ी बड़ी क्लास है और कोई घुटन वगैरह ऐसी महसूस नहीं होगी। बोर्ड काफ़ी बड़े हैं, सारी सुविधा है, पंखे वगैरह सब, गर्मी भी नहीं लगेगी, बहुत अच्छे फैसिलिटी है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये देख लीजिए हमारा कॉरिडोर है पूरा। यहाँ क्लास हमारी सेकेंड ईयर की क्लास चलती थी। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 5th फ्लोर पे थी, 1st ईयर बिल्डिंग जो हमारी पुरानी, फिर हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो गया सेकेंड ईयर में हम 3rd फ्लोर पे थे, फिर उसके बाद 4th फ्लोर पर आए, फिर 4th ईयर में दोबारा 5th फ्लोर पर आए। तो मतलब फ्लोर चेंज होते रहे हमारे, और हमें भी इतना आइडिया नहीं है हम कौन सी ईयर में कौन से फ्लोर पे थे, इतना याद नहीं है। ये अपना भाई मृत्युंजय सिंह भगत, ये अभी भगत हाँ मृत्युंजय सिंह ओनली, ये भगत महादेव के हैं। ये देखो भाई, अब आपको ये हमारे बैग वगैरह डिग्री वगैरह रखी हैं। भाई हम आधे घंटे से चक्कर काट रहे हैं कॉलेज के, कभी कोई कह रहा है यहाँ से साइन करवाओ, आधे घंटे बाद आओ, तो आपको भी पता चलेगा। हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप भी जब अपना पास आउट हो जाओगे तो आप भी एक्सपीरियंस करोगे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये देख लीजिए भाई, ये क्लास है, हमने एक क्लास एग्जांपल के तौर पे ले लिया आपके लिए। यहाँ पे आप अपना कुछ भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह है यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, ये गेट है, 2 गेट हैं, एक वहाँ फ्रंट पर गेट है और ये अंदर गेट है, मतलब आराम से कोई दिक्कत नहीं है एग्जिट और एंट्री और एग्जिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पंखे देख लीजिए, कम से कम भाई पंखे भी बहुत सारे हैं, 8 पंखे हैं। और एसी वगैरह की ये मत समझना, एसी वगैरह भी मिलेगा आपको, 12 एसी की तो जरूरत हमें नहीं पड़ी है, एसी वगैरह की सुविधा नहीं है। हाँ, ये भाई देख लीजिए बेंच जो है, ये हिलती डुलती नहीं है, ये बिल्कुल ये जुड़ी हुई है जमीन से, इनमें देखो पेच कसे हुए हैं, आप देख सकते हो, ये देख लो बेंचों में पेच कसे हुए हैं। आप मैक्सिमम कॉलेज में जाओगे तो देखोगे जो बेंच हिलती रहती है, अलग अलग सिस्टम रहता है सबका। ठीक है, ये देख लीजिए, ये भाई अपना बोर्ड है, अरे देव फॉर्मूला लिखा हुआ अपना EDC का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। भाई आपने पढ़ा हो तो कमेंट करके जरूर बताना ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। ठीक है, NIPI जो है। ठीक है, मेरे तो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर दिया, कर गया जैसे मैंने देखा, फिर मैं आपको बताऊंगा किस चीज़ का। ये भाई इलेक्ट्रॉनिक, हाँ ये ऊपर भाई जैसे बोर्ड वगैरह इतना बड़ा है। ठीक है, ये किस लिए भाई, ये जो ऊपर लग रहा है ये है प्रोजेक्टर। अरे हाँ भाई, मैं भूल गया था, जैसे ये तो बोर्ड वैसा है अपने लिखने के लिए, क्योंकि कंफर्ट इसी में रहता है। ठीक है, और ये प्रोजेक्टर है, जैसे कुछ अपना मूवी वगैरह दिखानी हो, कुछ स्क्रीन पर दिखाना हो डिजिटल स्क्रीन पर, तो उसके लिए ये प्रोजेक्टर की सुविधा है। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। मैं अपनी पर्सनल राय बताऊँ तो मुझे भाई डिजिटल बोर्ड ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि भाई मैं उसमें कम्फर्टेबल नहीं रहता। तुझे कौन सा बोर्ड पसंद है भाई? मुझे तो नॉर्मल बोर्ड पसंद है, इसमें मैं कंफर्टेबल रहता हूँ समझने में भी और खुद कुछ लिखने में भी। ठीक है, ये अपना बॉक्स है, यहाँ पे भाई अपने फैकल्टी मेंबर्स खड़े होते हैं, आप देख सकते हो। ये जो स्टेज है ये नॉर्मल जमीन से थोड़ा सा ऊंचा है, ताकि जो अपने गुरु जी हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं वो ऊपर, उनका जो कद है ऊपर ऊँचा देख सके थोड़ा। ठीक है, और सब उन वो यहाँ से खड़े होकर सारे बच्चों को देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है अपने नीचे। देख लीजिए टीचर के एंगल से दिखा, हमको लगता है भाई, हम जब स्टूडेंट के तौर पर आप देखोगे तो हमें ऐसा लगता है कि हमें टीचर देख नहीं पा रहा है, पर आप भी देख सकते हो, व्यू देख लो पूरा, सब कुछ देखता है, हर एक स्टूडेंट दिखता है नीचे क्या कर रहा है, वो हाथ लगा के वही सब पता चलता है, इसलिए गंदी हरकत ना करें। ये देख लीजिए पूरा क्लास का व्यू, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रखे हैं हम, इसमें बहुत सारी क्लास में सब इसी तरीके से हैं, ऐसा नहीं है अब अलग अलग मैं आपको क्लास दिखाता फिर, टोटल सारी क्लास इसी तरीके से, ये क्या मैंने आपको सैंपल दिखा दिया है। ये अभी कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा इन्हें नए बोर्ड लगाए हैं, तो कुछ रॉ मटेरियल का काम चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फूटा पड़ा है वो अपना। लाइटिंग कंडीशन भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि अंधेरे में है। लाइटिंग देखो भाई कितनी खिड़की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 देख लो,
काफी भाई बहुत उजाला आता है हमें ट्यून ग्रीन कलर से शेडिंग भी की हुई है ताकि जब मतलब गर्मी के मौसम में लाइट आती है स्टूडेंट के आंख में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ट्यूबलाइट वगैरह की जरूरत नहीं है, इतना उजाला है भाई, देख सकते हो आप बाहर का भी देख लीजिए, ये देख लो बाहर नीचे खाली जगह है, ग्राउंड वगैरह ये आगे क्लास है, सेम इसी तरह से क्लास बननी है। ठीक है, मैंने एक क्लास से सैंपल के तौर पे दिखा दिया, अब आपको मैं दिखाऊंगा एक क्लास चल रही है वहाँ पे उसमें कैसे स्टूडेंट बैठे हैं। ये हमारे सेकंड ईयर की क्लास है जब ये देख लीजिए हम सैंपल के लिए दूसरी क्लास में हैं, ये भी सेम टू सेम, आप कोई वो नहीं कर सकते डिफरेंस कि क्लासों में क्या डिफरेंस है, सेम वैसी क्लास है। मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखा देता हूँ उसकी, ठीक है, देखो सेम क्लास है वैसी, बोर्ड वगैरह देखो, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि ये मैंने अच्छी वाली क्लास दिखाई है और उसमें कुछ मतलब सब चीज़ अच्छी अच्छी है, कहीं कुछ टूट फूट नहीं है, सेम ए टू जेड है, सेम ऐसी क्लास बननी है सारी। तो गाइस अभी हम यहाँ पर कॉरिडोर में खड़े हैं, हम आपको सोच रहे हैं कि थोड़ी सी क्लास की क्लिप दिखा दें, चुपचाप से क्लास कैसे चल रही है, सर क्लास ले रहे हैं, कोरोना में आपका आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार क्लास चल रही है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं, देख लीजिए भाई ये कॉरिडोर है भाई, देख लो साफ सफाई बहुत अच्छी है, बिल्डिंग कैसी भी हो अच्छी हो या नहीं पर साफ सफाई रहनी चाहिए। ये अपना ये क्या चीज़ है, इसका नाम भूल गया, स्टाफ रूम, हाँ स्टाफ रूम है, इसमें स्टाफ वगैरह स्टाफ रूम, ये देख लो भाई इतने सर बैठे हैं, ये स्टाफ रूम है टोटल, इसमें सारे टीचरों के कैबिन बने हुए हैं, किसी से आपको मिलना हो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये अपने सर लंच कर रहे थे अभी, और सर ये आपने दो वीडियो में भी देखे थे हमने पहले एनआईटी और न्यू ईयर और आई थी, और सब बढ़िया, ये सब लिखने मिले, हाँ सर मिल गए, साइन करवा लिया हमने, धन्यवाद सर। ये सर ये आपका ले रहे भाई, थोड़ी सी क्लिप दिखा देता हूँ, चल बाद लेटरिन बाथरूम दिखा देता हूँ, ये मेन्स बाथरूम है, ये पानी पीने का सुविधा है, ये थोड़ा ऊँचे पे बना हुआ है काफ़ी, वाटर कूलर भी है, गर्मी में ठंडा ठंडी में गर्म, वाटर कूलर है, और ये देख लीजिए ये तो छोटा वाला है, बड़ा भी है, एक ही फ्लोर में बहुत सारे हैं, ये लेगा देख लेना, लैब की भी क्लिप दिखा दी आपको और यहाँ से भी दिखा देता हूँ, कौन सी लैब है, ये देख लीजिए भाई ये इस तरह की लैब है। ठीक है, सारे रॉ मटेरियल हैं भाई, ये छत है, ये कह रहा था छत दिखा दो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई अब हम नीचे उतर रहे हैं, पांच फ्लोर हैं, ऐसे की तैसी हो जाती नीचे जाने, ठीक है, ये लिफ्ट की सुविधा है भाई, वेट कर रहे हैं आधे घंटे, ये समझ लो नीचे चढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होती पांच फ्लोर पर ऊपर चढ़ने में, नीचे उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं होती पर ऊपर चढ़ने में सांस फूल जाती भाई, हवा टाइट हो जाती है, पर आपके पैर मजबूत हो जाएंगे, आपकी रोज जिम हो जा करेगी, सुबह जब आओगे ना पाँच फ्लोर, हमारा फिफ्थ फ्लोर पे था, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी था ना, इजी वाला ब्लॉक फिफ्थ फ्लोर पे था, तो देख लो भाई ये इस तरीके से हर रूप हैं, ये भाई ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये जो बन रहा है पूरा अंदर तक,
छोटा सा ओवरव्यू कॉलेज का। ये मर्सिडीज बेंज है क्या चीज़ भाई? ये मर्सिडीज बेंज का वर्कशॉप है। यहाँ जो फाइनल ईयर में है उनको मर्सिडीज में स्पेशलाइजेशन कराया जाता है। इधर पे ही मर्सिडीज बनती है। अच्छा, पूरा पार्ट है। देख लो, किसी भी कॉलेज में नहीं है ग्रेटर नोएडा में मर्सिडीज बेंज का। ये कुछ ट्रेनिंग वगैरह होती है और पता नहीं क्या होता हमारे कॉलेज में। ये सामने हॉस्टल है, ये बॉयज हॉस्टल है। वो उधर हमने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, वो गर्ल्स हॉस्टल है। उधर पेड़ वगैरह आ रहे हैं बीच में। ये देखिए भाई अपना, हम इस वाली बिल्डिंग में थे, ठीक है। ये अपना उधर गेट है, मेन गेट बाहर निकलने का एनआईटी से, ठीक है। ये ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। देखो यहाँ ऊपर वो भी लगा हुआ है छाया के लिए, जिसको छाया में बैठना है। ये आगे आईआईटी रुड़की की बिल्डिंग है, वो अपना क्या बोलते हैं बी फार्मा ब्लॉक है वो वाला, जो हमने पहले भी दिखाया था। गर्ल्स हॉस्टल है वो पीछे, सरोजनी हॉस्टल, ठीक है। और ये पूरा एनआईटी का ग्राउंड है। और ये अपना ये कॉलेज है, एक मैंने एक व्यू में ही सारा कॉलेज का दर्शन करवा दिया आपको। इधर कुछ बंदे स्कॉलरशिप के काम से खड़े हैं, वहाँ फीस वगैरह जमा होती है, देख लीजिए। ये नोटिस बोर्ड है यहाँ, हाँ यहाँ यहाँ नोटिस बोर्ड है। ये कुछ बालक खड़े हैं सेकंड ईयर के, नाइन अवेल, यहाँ पानी पीने का सिस्टम है। आ जाए इधर जाना, अच्छा उधर से खेलने का। ये देख लो यहाँ कुछ फीस वगैरह का सिस्टम है। तीनों कैबिन है, वो फीस का है और वहाँ वो मार्कशीट वगैरह का है। ये अपना अकाउंट ऑफिस है, अपना काम करते हैं। ये देखो कितनी ऊँची बिल्डिंग है, ये कर रहे हैं काम अपना। ये भाई अपने फर्स्ट ईयर के हैं बंदे, ये बता रहे हैं। कुछ बंदे कह रहे थे फीस कितनी है, तो भाई 1.5 लाख रुपए फीस हो चुकी है। कितनी है भाई फीस? 150 है ना? 150। हाँ, 1.5 लाख रुपए फीस है फर्स्ट ईयर की, और सेकंड की कम हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये अपने कुछ फीस जमा करवा रहे हैं, अंदर बुड्ढा बैठा है। तो गैज ये मेन NIT, जहाँ पर एडमिशन लेने आओगे तो यहीं आना है। ये पूरा लग्जरी बना रखा है, ठीक है। मेन NIT का व्यू है, ये वीडियो वगैरह चल रही है यहाँ पर, बहुत अच्छा बना रखा है। ए ब्लॉक है, हाँ ए ब्लॉक है NIT का। और ये लिफ्ट वगैरह है, ये सारे सेल्स बने हुए हैं, इनके अलग अलग काम है, पार्क है, हमें नहीं पता क्या है। ये देख लीजिए, यहाँ पर आप एडमिशन लेने आओगे तो यहीं घुसाएँगे सबसे पहले, और आप चकाचौंध हो जाओगे, सोचोगे यहाँ पर एडमिशन लेने आओगे। ये रजिस्ट्रार ऑफिस कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे प्लेसमेंट, जिन जिन का प्लेसमेंट हुआ सबकी लिस्ट लगा रखी है। आपका भी प्लेसमेंट होगा यहाँ से तो आपके नाम आ जाएगा लिस्ट में, देखते रहना चूहों की तरह। प्राइस वाइज